नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ICICI बैंक में जो इंटरव्यू के दौरान जो क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है उसके बारे में। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको 100% जो है आने वाले हैं। जो कि ये जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, जो एज़ पर जो हमारे फ्रेंड जो मेरे दोस्त के साथ हुआ है और मेरे साथ हुआ है, ये क्वेश्चन कम से कम 7-8 क्वेश्चन मैं बना चुका हूँ। ये क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है, और चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, ये क्वेश्चन यदि आप याद कर लेंगे तो आई होप कि आप जो है इंटरव्यू में आप पास हो सकते हो। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको इंटरव्यू जाने से पहले आपको जो है ये क्वेश्चन आंसर आपको याद करके जाना जरूरी है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैंने आपको बनाया है दोस्तों, ये क्वेश्चन अब हिंदी में बनाया है, क्योंकि अक्सर जो देखा जाता है हिंदी में बहुत सारे इंटरव्यू जो है पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन आंसर पूछता है इंग्लिश में पूछता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हिंदी में भी पूछ लेता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन हम यहाँ पे बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब लाते रहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है दोस्तों कि आप सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है, आपके बारे में कुछ बताइए। ये क्वेश्चन तो आपको अमूमन हर जगह में आपको पूछा जाएगा, चाहे आप किसी भी बैंक में जाए इंटरव्यू देने के लिए पूछा जाएगा। लेकिन ICICI बैंक में यदि आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे तो आप ऐसे देंगे जैसे कि एक बैंकर की तरह, ठीक है। आप वहाँ पे आपको एक्टिवनेस होना चाहिए, और आप जो आप ड्रेस सेंस वहाँ पे मेंटेन करते हो, आप फॉर्मल ड्रेस पहन के आप जाएंगे, लुक लाइक ए बैंकर की तरह आपको वहाँ पे जाना होगा, और इस क्वेश्चन का जवाब भी एक बैंकर की तरह ही आपको देना होगा। ठीक है, हो सकता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं आपको कैसे देना है, लेकिन आप ऐसे दे सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि अपने शहर के इतिहास और महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में बताइए। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको फर्स्ट राउंड में नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन जो है सेकेंड या थर्ड राउंड में पूछा जाएगा। फर्स्ट राउंड में ज़्यादातर ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आप जिस भी शहर से हो, उसी शहर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, और कुछ ऐसे मशहूर जगह है जहाँ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके शहर के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपके पिता का क्या व्यवसाय है, व्यवसाय करते हैं, और आप उस पे जाना चाहते हो नहीं। जनरली होता क्या है दोस्तों कि देखिए, आपके जो फादर है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से होते हैं ज़्यादातर, या किसी मैकेनिक डिपार्टमेंट से होते हैं। ठीक है, तो उसी समय यदि आप बात बताएंगे उनको कि मेरा जो फादर है वो फार्मर है, एग्रीकल्चर है, तो वहाँ पे और एक क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या पूछ सकते हैं आपको कि आपके पिताजी भी फार्मर है तो आप क्यों नहीं जाना चाहते उसमें। तो आप बता सकते हैं कि मैं ग्रेजुएट हूँ और मुझे बैंक में जॉब करना पसंद है, मैं अकाउंट से पढ़ा लिखा किया हूँ, ऐसे कुछ बता सकते हो। और ये जो सवाल है, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको फर्स्ट राउंड में नहीं पूछता है, सेकेंड राउंड में ये क्वेश्चन आपको पक्का पूछेगा। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है आपके रोल मॉडल कौन है और क्यों है। तो हर समय सोचते रहिए कि यदि आप बैंक में जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो आपका जो रोल मॉडल है वो बैंक के रिलेटेड कोई होना चाहिए, चाहे आप ICICI बैंक का हो या किसी और बैंक के हो। ठीक है, आप उसी के रिलेटेड किसी और पर्सन का नाम बताएं, क्योंकि ऐसे बताने चाहे आपका जो रोल मॉडल है वो शाहरुख खान ही क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पे आप ऐसे बता सकते कि मेरा जो रोल मॉडल है वो HDFC बैंक का एक फलाना व्यक्ति है। ठीक है, वो मेरा जो आप रोल मॉडल है। लेकिन ये बोलने पर और एक क्वेश्चन वहाँ पे आपको बन सकता है, ये क्वेश्चन रहेगा कि क्यों है, और तो उस समय आप बता सकते कि वो व्यक्ति ऐसा है, उसका काम धाम मुझे पसंद है, ठीक है, इंटरनेट में उसके बारे में पढ़ा हूँ, जाना हूँ, बहुत अच्छा है, तो मैं उसी की तरह बनना चाहता हूँ, ऐसा आप बोल सकते हो। इससे क्या होता है कि इम्प्रेशन बढ़ता है वहाँ पे। यदि आप शाहरुख खान, सलमान खान ऐसे बोलेंगे तो उसमें ओके, लेकिन अगर किसी बैंकिंग रिलेटेड किसी से बोलते हो तो वो अच्छा रहता है। तो और क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ये फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये फर्स्ट राउंड में अक्सर पूछा जाता है कि आपका जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है ये क्या है। आपका वीकनेस आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वहाँ पे कि मैं लेजीनेस हूँ, मैं सुबह उठने के लिए बहुत देर करता हूँ, या रात भर नहीं सोता हूँ, जागते रहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं बोलिए। आप जस्ट ऐसा बोल सकते हैं कि मेरा जो वीकनेस है वो है कि
कि मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो मैं बाकी काम भूल जाता हूँ, इसी तरह का बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर इसमें थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, चाहे तो आप अपने मर्जी से आप गूगल से सर्च करके आप जान सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या आपको लीडरशिप का कोई अनुभव है? यदि आपके पास कोई लीडरशिप, चाहे कोई भी लीडरशिप हो, यानी ऐसा है कि नहीं कि आपको बैंकिंग लीडरशिप होना चाहिए या कोई कॉल सेंटर का लीडरशिप पोजीशन का होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। यदि आप अपने गांव में, शहर में भी आप ऐसे कोई लीडर हो, ठीक है ना, पॉलिटिकल लीडर हो, आप वैसे भी बता सकते कि मेरा जो गांव है वहां पे मैं पॉलिटिकल लीडर के साथ उठता बैठता हूँ। उन लोग जो है वो चेक नहीं करते कि आप कौन से पार्टी से हो, क्या हो, ऐसे चेक नहीं करते। क्यों चेक यही करते कि एक लीडर जो है वो कम से कम 7-8 बंदे को जो हैंडल कर सके, कुछ बंदे को जो है उसको हैंडल करने का सक्षम हो सके, वही उनका अनुभव चेक करने के लिए होता है। और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, क्या आपको टीम में काम करने का कोई अनुभव है? यदि दोस्तों टीम में मीन्स देखिए, अगर टीम के अंदर आपका टीम लीडर है, जैसे मार्केटिंग जॉब में क्या होता है, एक टीम लीडर होता है, उसके नीचे 10 बंदे जो है काम करते हैं और वो 10 बंदे मार्केटिंग का जॉब काम करते हैं। तो इसी दौरान यदि आप फ्रेशर है तो सीधा ना कर दीजिए कि मैं रिसेंटली पास आउट हूँ, मुझे कोई टीम में काम करने का कोई अनुभव नहीं है, सीधा बोल सकते तो बात वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यदि आप एक्सपीरियंस है 1-2 साल का, तो आप बता सकते कि मैं एज ए कॉल सेंटर में काम करता था और हमारे टीम में 10 जने काम करते थे, हमारे TL जो है वो उसका नाम बोल सकते हैं। बस ऐसे करके शॉर्ट और स्वीट आंसर में आपको जवाब देना चाहिए वहाँ पे। और अक्सर मैं आपको बता दूँ कि ये जो आप अपने बारे में कुछ बताइए, जो सबसे पहले मैं आपको बताया, ये अक्सर नॉर्मल क्वेश्चन है, हर जगह पे बताते हैं, इसके भी आप ध्यान रखिए। और जो मैंने ये कुछ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन बताया आपको, इस सभी का आप रट्टा मार लीजिए, आपके इंटरव्यू में होने का चांसेस 100% है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।